लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में वांछित इनामिया जैसे जघन्य अपराधियों को धरपकड़ हेतु फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में शिकवाबाद थाना प्रभारी सुनील कुमार गौतम ने एक मुखबिर की सूचना पर 20,000 रुपए के इनामिया शराब तस्कर को एसटीएफ टीम के सहयोग से तमंचा और 6 जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार। बता दें, इस अभियान के क्रम में शिकवाबाद थाना प्रभारी सुनील कुमार गौतम ने एक मुखबिर की सूचना पर 20,000 रुपए की इनामिया शराब तस्कर को एसटीएफ टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया। और जनपद फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ में बताया है कि कुछ दिन पूर्व जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जहरीली शराब बेचने वाले शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कुछ जहरीली शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया था। वहीं एक शराब तस्कर कुख्यात अपराधी पुलिस को चकमा देकर कई दिनों से फरार था, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा कुख्यात शराब तस्कर अपराधी को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। जहां 16 दिसंबर की रात्रि को थाना शिकवाबाद प्रभारी सुनील कुमार गौतम मैं हमराही और पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे, तभी एक मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुस्तफाबाद रोड पुरातन स्कूल के पास से एक 55 वर्षीय कुख्यात शराब तस्कर अपराधी महेश उर्फ बट्टा पुत्र रामगोपाल निवासी मोहल्ला खेड़ा थाना शिकवाबाद को एसटीएफ की टीम के सहयोग से 315 बोर तमंचा और 6 जिंदा कारतूस सहित 20,000 रुपए की जहरीली शराब तस्कर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी। साथ ही बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर थाना शिकवाबाद क्षेत्र में मुकदमा संख्या 714/20 दर्ज था, जिसको आज विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तरह का मामला है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले खैरगढ़ थाने में कुछ लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हो गई थी। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शराब जो अवैध शराब बेचते हैं उनके खिलाफ अभियान चला करके उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसमें हमारे शिकवाबाद थाने में एक मुकदमा कायम था, मुकदमा अपराध संख्या 714/20, जिसमें ये अपराधी वांछित था और इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल शाम को मुखबिर की सूचना मिली कि एक यही जो इनामी बदमाश है ये भागने की फिराक में है, तो हमारे इंस्पेक्टर सुनील और अपने इनके दो साथ में इनके हमराई एसआई त्यागी और जो अन्य कांस्टेबलों के द्वारा ये मुस्तफाबाद रोड पर जब चेकिंग की गई तो ये जो मुलजिम है ये आता हुआ दिखाई दिया। महेश और बट्टा पुत्र जो है रामगोपाल निवासी खेड़ा आता दिखाई दिया, तो इन्होंने इसको ललकार के और ये भागने लगा, तो इसको पकड़ा। इसके कब्जे से एक कट्टा 315 बोर और 6 जिंदा कारतूस के पास से बरामद हुए हैं, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ये पुराने मुकदमे में वांछित था तो इसमें इसको दाखिल किया गया है। इसके पास से जो कट्टा बरामद हुआ है तो दफा 25 का मुकदमा कायम करके इसको जेल किया।